नमस्कार मैं शाइनी शर्मा मैं आरव और हम आ गए हैं आप सभी के साथ बाल कार्यक्रम में आप सभी, सभी का स्वागत, स्वागत है।, है अच्छा शाइनी एक जोक सुनोगी चलो सुना ही दो एक बार क्या होता है टीचर गोलू से पूछती है इतने दिन कहाँ थे स्कूल क्यों नहीं आए, तो गोलू बोलता मैम बर्ड फ्लू हो गया था तो टीचर गुस्से में बोलती है पर ये तो पक्षियों को होता है ना तुम इंसान हो तो गोलू बोला इंसान समझे ही कहा है आपने मैम रोज तो मुर्गा बना देती हो <laughs> ओहो अब तुम मधुमक्खी की तरह चिपक जाओगे और फिर सुनने पड़ेंगे तुम्हारे वो ही पुराने जोक्स पर शाइनी मधुमक्खी की तरह चिपकने से क्या होता है मेरे जोक्स तो शहद की तरह मीठे भी तो होते हैं जो तुम्हें गुदगुदाते भी और हंसाते भी है वो तो सही बात है अच्छा शाइनी मधुमक्खी से याद आया क्या तुमने वर्ल्ड बी डे के बारे में सुना है वर्ल्ड बी डे अरे वाह चलो कुछ बताओ इसके बारे में हर वर्ष बीस मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है शायनी यह दिवस लोगों और धरती की स्वास्थ्य रखने में मधुमक्खी की अहम भूमिका पर प्रकाश डालता है साथ ही ये दिन मधुमक्खी पालन की खुशियाँ मनाने को भी आता है पता है मधुमक्खी पालन से ग्रामीण आबादी की आय रोजगार सृजन और पोषण की पूर्ति होती है इनसे मिलने वाला शायद हम सभी के लिए कई प्रकार से उपयोगी होता है और इसी के साथ ये ग्रामीणों का एक अच्छा उद्योग विकसित हो चुका है अरे वाह तुमने तो बड़ी पते की बात बताई मुझे वर्ल्ड बी डे के बारे में इतना नहीं पता था पर आज जरूर पता चल गया हाँ हाँ कोई बात नहीं मैं तुम्हारा थैंक यू बोलने का तरीका समझ चुका हूँ अच्छा चलो मैं मधुमक्खी पे एक कविता हाँ। हा। मधुमक्खी की रानी मक्खी रानी की है सब मधुमक्खी हमें बताती बूढ़ी काकी रानी बड़ी सयानी मक्खी ड्यूटी पर रहती मधुमक्खी छत्ते में बस रानी मक्खी जंगल उपवन जाती मक्खी रस फूलों से लाती मक्खी छत्ता बड़ा बनाती मक्खी रखती बहुत सिपाही मक्खी छत्ते की रखवाली में वह करे नहीं कोताही मक्खी सन 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 आती मक्खी छत्ते में है अंडा मक्खी छत्ते पर रहती मधुमक्खी अरे वाह शाइनी इसके लिए तो तालियां बनती है अच्छा। बहुत ही अच्छी कविता सुनाई तुमने धन्यवाद अच्छा तुम्हे पता है मधुमक्खी से जो शहद मिलते हैं वो भी बहुत गुणकारी होते हैं अच्छा कैसे पता है उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उन्हें तो वह जरूर खाना चाहिए उनसे उसकी समस्या हल हो जाती है अरे वाह तुमने तो बहुत ही अच्छी बात बताई तुम्हें पता है शहद के कुछ बेनिफिट हाँ थोड़े बहुत मुझे भी पता है तो हमें भी बताओ हाँ क्या तुम्हें पता है अगर हम शहद को नींबू के साथ मिलाकर स्किन पर लगाए तो उससे कई स्किन प्रॉब्लम्स साफ हो जाती है जिससे हमारी स्किन ग्लोइंग और टैन फ्री होती है अरे वाह अब इससे तो पता चल गया कि शहद हमें एक चम्मच रोज तो खाना ही चाहिए हाँ और शहद हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी क्लियर करता है अब तो मैं पक्का खाऊंगी और तुम देखता हूँ देखता हूँ नहीं कितने सारे बेनिफिट्स है तो हमें जरूर खाना चाहिए अच्छा तुम बोल रही हो तो खा ही लूंगा तो बच्चों आओ एक प्रण लेते हैं कि हम आज से रोज शहद खाएंगे क्यों आरफ हाँ हाँ ये प्रण तो सभी को लेना चाहिए सिर्फ बच्चों ही की बड़े बूढ़े सबको लेना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी हैं। उनकी कविताएं सुनते हैं हाँ हाँ वो काफी देर से उत्सुक हो रहे हैं चलो फिर उनकी कविता सुनते हैं मेरा नाम आर्यन है मैं सेवन इयर्स का हूँ मैं क्लास थ्री में पढ़ता हूँ आज मैं हाँ आपको श्री हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता सुनाने जा रहा हूँ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नन्नी चीटी दाना लेकर चलती चलती दीवारों पर सौ सोबार फिसलती मन का विश्वास रगों में सांस भरता है चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना आखड़ता है आखिर उसकी मेहनत हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती में कोता खो लगाता है जा जा कर काली हाथ लौट कर आता है मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होगी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी असफलदाय चुनौती है स्वीकार करो क्या कमी रही देखो और सुधार करो जब तक ना सफल हो नींद को त्यागो तुम जब तक ना सफल हो नींद को तो, त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम तो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आकृति महेश्वरी है आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ हम पंछी उन मुक्त गगन के यह शिव मंगल सिंह के द्वारा लिखी गई है हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजर बच न गा पाएंगे कनक टीलियों से के कर टूट जाएंगे हम बेहतर गलती में वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे कहीं बनी है कटुक निमो कटोरी की मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति सब फूले बस सपनों में देख रहे हैं तेरु के होंगी पर के झूले ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नव की सीमा पानी लाल कलर सी चोच खोल चुपते तारक अनार अनारिने धन्यवाद कर दोस्तों आज मैं कायरा खन्ना आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती जिसे भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे कहाँ चले किस ओर चले यह मत पूछो चलना है बस इसलिए चले जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिए चले दो बात कही दो बात सुनी कुछ हसे और फिर कुछ रोए चक्कर सुख दुख के घूटो को हम एक भाव से पिए चले हम भिकम की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले हम एक निशानी सी और ले असफलता का भार चले अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले धन्यवाद अरे वाह कितनी अच्छी कविता सुनाई तुमने हाँ बहुत मज़ा आ गया सुन के अच्छा अरब तुम्हें पता है वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे भी आ रहा है अच्छा वो कब आता है अं, चलो तुम बताओ वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे पृथ्वी पर मौजूद जंतुओं और पौधों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष बीस मई को मनाया जाता है अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छी बात बताई मतलब इसको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि कब ये आता है हाँ हाँ जरूर और बायोडायवर्सिटी के कई संचलन किए गए हैं, जैसे पेड़ों की कटाई कम कर देनी चाहिए और पानी का बचाव करना चाहिए हम्म बिल्कुल तुमने सही कहा पता है ग्रह के संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता आवश्यक बहुत है ये पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की आधारशिला है हाँ हाँ जरूर अच्छा शायनी मेरे पास एक कविता भी है अरे वाह तो सुनाओ हाँ हा, क्या है ना इतने टाइम बाद मैंने कविता पढ़ी लेकिन वो स्वरचित नहीं है मैंने किसी किताब में पढ़ी थी अच्छा फिर तो पक्का सुनाओ आजाद है वो उन्हें आजादी से रहने दो हद आकाश है जिनकी आकाश में ही रहने दो कुछ देना है तो स्वच्छ हवा दो दाना पानी न मांगे वो आकाश में उड़ान बढ़ते ही अच्छे लगते हैं वो पिंजरे में ना बंद रहने दो उन्हें पिंजरे में ना बंद रहने दो उन्हें पिंजरे में ना बंद रहने दो उन्हें वाह क्या लाइन है और ये कविता सुन के तो बहुत मजा आ गया अच्छा क्या तुम बता सकती हो कविता किन के ऊपर थी ये नेचर के बारे में थी पर मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा पक्षियों की तो हमें बिल्कुल रक्षा करनी चाहिए हाँ क्योंकि कितने अच्छे अच्छे रंग बिरंगे पक्षी हैं हमारी दुनिया में हाँ वो हमारे एनवायरनमेंट को और सुंदर और खास बनाते हैं और क्या वो पिंजरे में मेरे को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे भी नहीं खुले आसमान में उड़ता देख उनसे बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा हाँ और जब उनको देखते हैं तो हमारी सोच भी बहुत ऊपर जाती है हाँ क्योंकि वो भी तो इतने ऊपर होते हैं बिल्कुल बिल्कुल जब उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने से कनेक्ट हो रहे हैं बिल्कुल उनको उड़ते हुए देखो तो हमें भी लगता है हमें भी उड़ लेना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल पता है उन्हें खाना भी देना चाहिए हमें क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत सुंदर बना रहे हैं हाँ पता है स्कूल जाने से पहले मैं रोज सुबह पानी और दाना उनके लिए रख के जाता हूँ क्योंकि उनको भी तो पोषण की जरूरत है हाँ मैं भी रख के जाती हूँ जैसे हमें खाना खाना चाहिए उनको भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना हम्म अच्छा शाइनी मैं तो काफी बोर हो रहा हूँ और जितना मैं कह सकता हूँ शायद और बच्चे भी हो रहे हैं क्या तुम्हें लगता है हमें कुछ कविता या फिर कहानी सुननी चाहिए सही कह रहे हो कविता सुन के मजा तो बहुत आता है लेकिन कहानी भी तो कभी कभी सुननी चाहिए हाँ तो चलो फिर एक सुंदर सी और अच्छी सी कहानी सुनते हैं तो हमारे पीछे संध्या दीदी जो हमें एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगी चलो सुनते हैं हाँ आ जाओ सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी चतुर खरगोश और घमंडी शेर किसी जंगल में एक बहुत ही घमंडी और खूंखार शेर रहता था वह शेर इतना खतरनाक था कि कोई भी जानवर उसके सामने आता तो उसे वह मार देता था इसी कारण जंगल के सभी जानवर हमेशा उससे डरते रहते थे जब भी शेर जंगल में भ्रमण के लिए निकलता तो जंगल के सभी जानवर कांपने लग जाते थे दिन-प्रतिदिन शेर का आतंक जैसे-जैसे बढ़ने लगा वैसे-वैसे जंगल में रहने वाले जानवर और ज्यादा परेशान रहने लगे एक दिन सबने मिलकर यह निर्णय किया कि वे शेर से बात करेंगे और प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास भोजन बनकर जाएगा जिससे शेर उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेगा इससे वे शेर के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाएंगे और जंगल में खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक रह सकेंगे जब सभी जानवरों ने यह प्रस्ताव शेर के सामने प्रस्तुत किया तो शेर बहुत प्रसन्न हुआ और मनी मन सोचने लगा कि अब उसे आराम से बैठे बिठाए भोजन मिल जाएगा कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी शेर ने यह प्रस्ताव सुनते ही तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और कहने लगा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी इसके बाद प्रतिदिन बारी बारी से जानवर शेर के समक्ष भोजन बनकर जाने लगे और इसके कारण शेर की मौज हो गई उसे तो बड़ा मजा आ गया क्योंकि अब तो उसे शिकार करने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी और बैठे बैठाए भोजन उसके पास आ जाता था कुछ दिन इसी तरह बीत जाने के बाद अब बारी आई एक खरगोश की जो बहुत ही बुद्धिमान था बहुत चतुर था जब खरगोश का शेर के पास आने का समय हुआ तब वह रास्ते के बीच में आराम करने लगा और बहुत देर बाद शेर के पास पहुंचा जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो शेर बहुत क्रोधित हुआ और बोला तू इतनी देर से कहा था देखता नहीं तेरी देरी की वजह से मेरी भूख और बढ़ गई है इसके बाद खरगोश बोला मैं मैं तो समय पर ही निकला था परंतु मुझे बीच रास्ते में दूसरा शेर मिला जो मुझे खाने के लिए उत्सुक था मैं वहां बड़ी मुश्किल से अपनी जान कर यहां आया हूं। इसके अलावा, वे शेर कर तो अपने आप को इस इलाके का राजा भी बता रहा था इतना सुनते ही शेर और ज्यादा क्रोधित हो गया वे खरगोश से बोला मुझे उस शेर के पास लेकर चल जो यह कह रहा था कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ आज पहले मैं उसे मारूंगा फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करूंगा खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास लेकर गया और बोला वह दुष्ट इसी कुएं में रहता है जो अपने आप को यहाँ का राजा बता रहा था शेर भागते हुए उस के पास गया और कुएं के अंदर में झांकने लगा कुएं में उसे अपना ही प्रतिबिंब पानी में नजर आया जिसे वह दूसरा शेर समझने लगा जैसे ही शेर ने जोर से गर्जना करी वैसे ही उसकी आवाज टकराकर वापस आई इसके बाद शेर इतना क्रोधित हो गया कि बिना कुछ सोचे और समझे सीधा कुएं में कूद गया कुएं में कूदते तो छटपटाने लगा और छट पटाने के कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई ये सब देखकर खरगोश बहुत खुश हुआ और जंगल के अन्य जानवरों को शेर की मृत्यु का समाचार देने लगा जंगल के सभी जानवर खुश हो गए और खरगोश की जय जयकार करने लगे तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का हल चतुराई से निकल सकता है वाह शायनी वाह जितना मैं कह सकता हूँ मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी मेरे को भी बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग कहानी लगी हाँ हाँ जरूर अच्छा शायनी क्या तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना पसंद है हाँ बहुत पसंद है क्या तुम्हें पसंद है हाँ मुझे भी पसंद है खेलने से ज्यादा मुझे देखना ज्यादा पसंद है हाँ टीवी पे अब तो बहुत सारे गेम्स आने लग गए और इसको देख के बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हाँ, जैसे बड़े बड़े खेल जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं हाँ अरे इससे आधा आया कॉमन डे भी तो आ रहा है हाँ हाँ तो, तुम्हें पता है वो कब आता है हाँ वो प्रत्येक वर्ष चौबीस मई को आता है तुमने बिल्कुल सही बताया इसके बारे में तुम्हें और कुछ पता है हाँ बताओ बताओ राष्ट्रमंडल दिवस इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर मनाया जाता है जिनका जन्म चौबीस मई अठारह को हुआ था और यह उन सभी देशों के द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के उप थे राष्ट्र दिवस दुनिया भर में विभिन्न तिथियों पर मनाया जाता है मार्च के दूसरे सोमवार को यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में मनाया जाता है दूसरी ओर 24 मई को भारत बेलीज जैसे देशों के साथ राष्ट्रमंडल दिवस मनाया है और तुम्हें पता है कॉमनवेल्थ डे 56 कंट्रीज में अभी तक मनाया जाता है और इस दिन को पूरा एक जश्न की तरह मनाया जाता है अच्छा हाँ पर पता है जब हम टीवी पे स्पोर्ट्स देखते हैं, तो कितनी उत्सुकता भर जाती है ना कि अब आगे क्या होगा हाँ चूँकि क्रिकेट फुटबॉल जैसे गेमों में हम बता ही नहीं सकते आगे क्या हो सकता है हाँ और जब मैच एंड पे पहुँच जाता है तो तो और भी मज़ा आता है हाँ क्यूँकी सभी को होता है या तो ये टीम जीतेगी या तो वो जीतेगी जीते हर कोई अपनी अलग अलग टीम को सपोर्ट कर रहा होता है हाँ बिल्कुल सही कहा अच्छा एक बात बताओ जो आई चल रहा है तुम तो यह देख रहे हो हाँ मैं देखता तो हूँ बहुत मजा आता है अच्छा पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो या ये देख रहे हो दोनों पे कर रहा हूँ दोनों पे करना जरूरी है क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स है वो भी देखना अभी तो जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे देश में क्या चल रहा है लेकिन शाइनी किसी को बताना मत मैं स्पोर्ट्स पे ज्यादा करता हूँ अच्छा अभी मैं तुम्हारी फैमिली को बताती बता अरे हूं। नहीं 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 क्यों तुम्हें डर है कि वो तुम्हें डांटेंगे नहीं डर था तो मैं किसी से नहीं हूँ अच्छा वो तो बाद में पता चलेगा चलो देख लेंगे बिल्कुल बिल्कुल आरव चलो तुम्हारी इंटेलिजेंसी टेस्ट करते हैं अरे क्या ही करोगी टेस्ट करके मैं तो हूँ इतना इंटेलिजेंट वो तो अभी पता चल जाएगा चलो मैं तुमसे कुछ पहेलियाँ पूछती हूँ पूछो पूछो बोल नहीं पाती हूँ मैं और सुन नहीं पाती बिना आँखों के हूँ अंधी पर सबको राह दिखाती चलो बताओ इसका क्या जवाब है शायद रोड नहीं नहीं बताओ बताओ सोचो सोचो और दोस्तों आप सब भी सोचो इसका जवाब क्या हो सकता है मेरे को तो नहीं पता क्या तुम्हें पता है थोड़ा दिमाग चलाओ ना तुम तो कह रहे थे बहुत इंटेलिजेंसी है में वो मैं घर पे बोला है इंटेलिजेंसी अरे अब बताओ कैसी इंटेलिजेंसी जब तुम अपना दिमाग घर बुलाए चलो एक आखिरी ट्राई मारता हूँ वैसे मैं देती तो नहीं बट चलो ठीक है शायद पुस्तक ओहो तुमने गैस कर ही लिया देखा मैंने तो बोला था मैं हुई बचपन ऐसी इंटेलिजेंट नहीं नहीं तुमने बाद में गैस किया है तो मतलब तुम नहीं हो इंटेलिजेंट ओहो चलो अब तुम्हारे पास है कुछ हाँ हाँ क्यों नहीं चलो फिर पूछो सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार मोल तो ज्यादा है नहीं बहुत है उसका भार बताओ क्या हूँ मैं हम्म तुमने तो बड़ी डिफिकल्ट पहली पूछी है मेरी तो आसान थी अच्छा तुम हिंट तो दो क्या हो सकता है इसका जवाब चलो लोग बैठते हैं उसपे अ चेयर तो नहीं है इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं फिर जमीन पे भी तो बैठते हैं लोग अच्छा तो टेबल टेबल पे कौन बैठता है सब लोग बैठते हैं मैं तो बैठती हूँ मैं नहीं बैठता क्या इसका जवाब चार पाई है हाँ हाँ बिल्कुल सही देखा मैंने बता दिया ना मैं तो अपना दिमाग लेकर आई हूँ शायद तुम घर भूल गए हो ठीक है ठीक है चलो एक और मैं पूछती हूँ और फिर से तुम्हारी इंटेलिजेंसी टेस्ट करते हैं नकल उतारे सुनकर वाणी चुप चुप सुने कभी की कहानी नील गगन है इसको भाई चलना क्या उड़ना भी आए बताओ बताओ इसका क्या है जवाब उड़ना भी आए हाँ अभी तुमने इस पे बहुत ही सुंदर कविता भी सुनाई थी अच्छा मुझे पक्का यकीन है कि हमारे दोस्तों को बिल्कुल याद होगी पर क्या तुम्हे याद है शायद तितली नहीं तितली तो जवाब नहीं है लेकिन वो भी तो उड़ती है ना उड़ती है पर इस पहेली का जवाब तितली तो नहीं है बताओ बताओ शायद कोई पंछी होगा हाँ हाँ ये तुमने सही बताया कि कोई पंछी है बट तुम्हे पंची का नाम बताना पड़ेगा जल्दी गेस करो अच्छा पक्का तोता है हाँ बिल्कुल सही जवाब देखा तुम कह ही नहीं सकती मैं अपना दिमाग घर पे भूल के आया हूँ मैंने तो कहा ही नहीं था तुमने खुद ने ही कहा था चलो मैं पूछता हूँ चलो पूछो देखी रात अनोखी वर्षा सारा खेत नहाया है पानी तो पूरा शुद्ध था पर पी नहीं कोई पाया है बताओ क्या हूँ मैं हम्म ये पहली बार में तो समझने वाली पहेली बिल्कुल नहीं है एक और बार सुना दो फिर देखी रात अनोखी वर्षा सारा खेत नहाया है पानी तो पूरा शुद्ध था पर पी ना कोई पाया है बताओ क्या हूँ मैं पानी तो पूरा शुद्ध था जरा सोच विचार करना पड़ेगा इसका जवाब क्या होगा कई आंधी तो नहीं है या फिर वर्षा नहीं नहीं चलो हिंट देता हूँ चलो सर्दियों में पड़ती है सर्दियों में ओस हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने देखा फिर से मैं अपना दिमाग लेकर आई हूँ चलो मैं एक और पूछती हूँ अरे एक या दो पूछो तुम हम्म देखते हैं तुम सोच पाते हो या नहीं, नहीं सुदर्शन चक्र मगर मैं चक्री जैसा चलता सिर के ऊपर उल्टा लटका फर्श पर नहीं उतरता भूजो तो जाने इस पहली का जवाब जल्दी जल्दी बताओ और दोस्तों आप भी तो सोचो इसका जवाब क्या हो सकता है शायद कोई घूमने वाली चीज होगी हाँ हाँ घूमने वाली है बताओ बताओ दोस्तों आप भी गैस करो क्या हो सकता है इसका जवाब हाँ पक्का पंखा ही होगा हाँ तुमने बिल्कुल सही गैस किया अब तो इतनी गर्मी हो गई कि बिल्कुल पंखे के बिना रहा ही नहीं जाता हाँ लेकिन एक बात याद रखना अगर तुम उस रूम में ना बैठे हो तो पंखा जरूर बंद कर देना वरना तुम्हारा बिजली का बिल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा हाँ और अच्छा बिजली का बिल किसी को नहीं पसंद हाँ खासकर गर्मियों में हाँ और पता है हमें इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करनी चाहिए और हमारे पर्यावरण को भी बचाना चाहिए जैसा कि अभी हमने बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में बात की हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा शाइनी जैसे कि तुमने कहा गर्मियाँ बहुत हो गई हैं तो तुम्हारा छुट्टियों का क्या प्लान है हाँ अब तो छुट्टियाँ भी आ रही है मेरा तो यही प्लान है कि कहीं ठंडी जगह घूमने जाएं इतनी गर्मी में कौन यहाँ घूमेगा हाँ वैसे भी आजकल दिल्ली में कितनी गर्मी हो रही है और अभी तो जून जुलाई भी बाकी है हाँ बिल्कुल उफ ये दिल्ली की गर्मी कहीं बाहर जाना चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो हाँ, पहाड़ी इलाके तो सबसे बेस्ट रहेंगे हाँ वहाँ मजा भी बहुत आएगा थोड़ी आगे गर्मी तो कम लगेगी फिर गर्मी छोड़ो वहाँ पे तो बर्फ भी मिलेगी हाँ क्या पता मिल भी जाए मज़ा बहुत आएगा अरे तुम्हें पता है मुझे से पहाड़ों में जाना ठंड की वजह से मैं ही नहीं पसंद पता है दिल्ली का कल्चर कुछ और है वहाँ का कुछ और है खान पान भी सब अलग है मुझे हमारे सांस्कृतिक विविधता के बारे में जानने में बहुत मजा आता है हाँ, हाँ हमें अपने देश की सांस्कृतिक चीजों के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए हाँ हमें पता होना चाहिए कि कौन से सिटी में कौन सा कल्चर है और वहाँ की क्या खासियत है अरे शायनी इससे तो सांस्कृतिक विविधता दिवस भी याद आ गया मुझे हाँ पता है विविधता के माध्यम से एकता लाने के लिए मतभेदों को सहन करने के बजाय जश्न मनाना चाहिए तभी तो पता है हम सारे त्यौहार चाहे कोई भी त्योहार हो मिल बांट के बनाते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना अनेकता में ही एकता है हाँ पता है भारत ही तो त्योहारों का देश माना जाता है तो चाहे दिवाली हो होली हो या कोई भी त्योहार हो हम सारे मिल के बनाते हैं हाँ हाँ। तभी तो कहते हैं कि भारत एकता का भी देश है पता है खान पान ही नहीं सब सिटीज का वेशभूषा भी अलग होती है हाँ हाँ डांस फॉर्म्स भी कई होती हैं। हाँ उन सबको जानने में बहुत मजा आता है पता है गुजरात में गरबा होता है तो पंजाब में भांगड़ा होता है हाँ जैसे राजस्थान में घूमर बहुत फेमस है हाँ और उत्तर प्रदेश में कथक आरव तुम्हें पता है आज हमारे साथ कुछ नन्हे मेहमान जुड़े हैं चलो आओ चलते हैं सुनते हैं उनकी पहेलियाँ नमस्कार मैं हूँ जतिन केसवानी और मैं मैं हूँ एकांश केसवानी चलो एकांश आज मैं तुम्हें कुछ पहेलियाँ पूछता हूँ हाँ हाँ भैया पूछो पूछो। शौक सिखाए हर इंसान मेरी अपनी अलग पहचान ढेर विचित्र है मेरे नाम जैसे नीलम तोता और बालाम राजा जैसी है मेरी शान बताओ दोस्तों मेरा नाम hmm. आम बिल्कुल सही अब मैं एक पहेली पूछता हूँ हाँ हाँ पूछो पूछो। हरा पजामा ऊपर छोटी हूँ भैया मैं बड़ी ही खोटी रहू चाहे मैं पतली छोटी मुझे खाते ही दुनिया रोती मेरे पास न कोई हथियार फिर भी लोग कहे तेज तरह मिर्ची बढ़िया भैया मान गए <laughs> इस पहेली के बाद मुझे भी एक पहेली याद आ गई तो भैया पूछ लो नन्ना सा मेरा आकार कर देता हूँ चमत्कार दूध को मैं देता फाड़ सेहत से मैं करता लाड़ बेहद खट्टा मेरा स्वाद जीभ भी रखती घंटो याद मुझसे बनता शरबत अचार हर कोई करता मुझको प्यार ये तो खट्टा खट्टा नींबू है, बहुत सही अब इस खट्टे खट्टे नींबू के बाद मुझे भी एक पहेली याद आ गई हाँ। तो देर कैसी पूछो पूछो। मैं हूँ सुंदर फली सबको लगती भली हरे खोल में मोती सादाना सर्दी में हर कोई मेरा दीवाना सब्जी का मैं रंग जमाती खुश होकर मुझे दुनिया खाती मटर हाँ बिल्कुल सही भैया अच्छा चलो अब कुछ ट्विस्टर भी पूछ लो ट्विस्टर हाँ चलो अब मैं एक ऐसा ट्विस्टर पूछती हूँ जो शायद तुमने सुना होगा पर क्या पता तुम ना बोल पाओ अरे मेरे लिए तो सब पॉसिबल है चलो मैं बोल के दिखाती हूँ फिर तक देखा नहीं बोल पाए ना मैंने कहा था पर लाती कहाँ से हो तुम ये सब मैं पता है मैं कथक सीखती हूँ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म तो उससे मुझे पता है पर तुमने कभी जिक्र ही नहीं किया पहले करके दिखाना चाहिए न पहले कुछ अच्छा सीख लो फिर बताओ चलो एक काम करते हैं मैं तुम्हें धीरे धीरे बोलती हूँ और फिर इसको बोलने का तुम कोशिश करो चलो ठीक है ठीक है तो धीकेटा। ताकीटा काकी अब इसको पांच बार तुम बोलो काकीटा ताकीटा ताकेटा ताकीटा ताकिटा ताकीटा ताकी अरे वाह क्या बात है चलो बहुत अच्छी बात है अच्छा शाइनी तुमने भी एक टंग ट्विस्टर दे दिया तो अब मैं भी देखूं क्या तुम मेरा वाला बोल पाओगी चलो ट्राई करते हैं तुम भी पूछो ऊट उट ऊँचा उठ की पीठ ऊंची ऊंची पीठ उठ की अरे वाह पहले तुम इसको बोल के दिखाओ मैंने तो बोल दिया तुम्हारी बारी है नहीं नहीं पांच बार बोल के दिखाओ मैंने भी बोला था चलो ठीक है ऊट उट ऊँचा उठ की पीठ ऊंची ऊंची पीठ उठ की ऊट ऊंचा उठ की पीठ ऊंची ऊंची पीठ उठ की ऊँट ऊंचा उठ की पीठ ऊंची ऊंची पीठ ऊट की अब तुम बोलो ऊट ऊंचा उठ की पीठ ऊंची ऊंची ऊट की ऊट ऊचा उठ की पीठ ऊंची उ... देखा फंस गए बात है, ना। ये गलत बात है तुमने मेरा कंसंट्रेशन हिला दिया चलो एक काम करते हैं साथ में बोलने की कोशिश करते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं ऊट ऊंचा उठ की पीठ ऊंची ऊंची ऊट की ऊट ऊंचा उठ की पीठ ऊंची पीठ ऊट की ऊट ऊंचा उठ की पीठ ऊंची ऊंची पीठ ऊट की ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची ऊंची पीठ ऊट की आओ दोस्तों आप भी हमारे साथ बोलो चलो एक और बार बोलते हैं ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची ऊंची ऊट की। ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची पीठ ऊट की। अरे वाह अच्छा शाइनी तुमने बोल ही दिया हाँ हाँ मैंने बोल ही दिया अच्छा शाइनी क्या तुम्हें पता है टंग ट्विस्टर का भी एक फायदा होता है हाँ इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत बूस्ट होता है हाँ ताकि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सके हाँ दोस्तों आप भी ट्विस्टर करना जब आपको टाइम मिले और बाल कार्यक्रम में आते हैं तो पता ही नहीं चलता समय कहाँ चला जाता है हाँ मेरी भी अकेडमी का टाइम होता है तो हमें दीजिए इजाजत और हम मिलते हैं आप सभी से हमारे अगले शो में इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर तब तक के लिए सभी को नमस्कार जय हिंद